Hey guys, welcome back to new video. I mean new vlog. First of all, happy Diwali everyone. कल मैंने ना एक vlog डाला था छोटी दिवाली का, but पता नहीं क्या YouTube वालों ने बड़ी रेत मार दिया. सुबह उसकी notification आई कि वो आपके चैनल से remove कर दिया गया है. फिर मैंने appeal करने के लिए कहा, मतलब भेजा कुछ लिख के, बट उन्होंने कहा कि हमें रिव्यू कर लिया है, उसमें कुछ है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, तो फिर वो वीडियो डिलीट कर दी. उसके बाद थोड़ा मूड ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ. बट आज है दिवाली और प्लान्स तो बहुत सारे हैं. आप आगे आके देखते रहना कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं. बने रहना एंड तक, मिलते हैं थोड़ी देर में. गाइस, तो मैं मीना के साथ गई थी नालागढ़ और मेरा फ़ोन बंद हो गया था. पता नहीं क्या हुआ, ऑन ही नहीं हो रहा था. अब ऑन हुआ है तो मैं बना रही हूँ व्लॉग फिर से. अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ गाइस, तो अभी अच्छी ताई की सुबह की तो मिलता. सो गाइस, आ गई थी ये लेने मुझे, हमेशा की तरह पानी लेके आई थी साथ में, तो उसी जगह पर मिली थी एग्जैक्टली. और अभी हम घर जाएंगे, घर जाके बात करते हैं. गाइस, घर पे आ गए हम और पता नहीं कितना टाइम हो गया घर आए हुए. और अभी मैं रंगोली बनाऊंगी, रंगोली भी बनानी है और फिर मिलते हैं रंगोली बनाते बनाते, है ना. चलो फिर गाइस, मिलते हैं रंगोली बनाते बनाते. ओके गाइस, मैंने रंगोली बनाने के लिए कहा था, बट अभी तक रंगोली नहीं बनाई, ना ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि कलर्स लेके आने हैं और मैं लेट गई थी बेड पे, कंबल में शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी और ऐसे ही टाइम निकल गया, मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही. तो अभी हम कलर्स लेने जाएंगे, फिर उसके बाद रंगोली बनाएंगे. मैं पीछे जा रही हूँ, दीदी ने भी रंगोली बनाई है, मैं उनकी रंगोली देखने जा रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी. इसलिए उनकी रंगोली काफ़ी ज़्यादा सही बनी है, तो मैं भी देखती हूँ. मेरा एक तो हाथ में वैसे भी लगी हुई है, ट्राई करेंगे अच्छी बनाने की, आप भी देखना. सो गाइस, दीदी रंगोली बनाते हुए उठ चुकी है, अभी आधी बनी है, बाकी हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी पूरी कर लेते हैं. ओके गाइस, फाइनली मेरी रंगोली बन गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई. कब से रंगोली बनाई जा रही थी, मतलब जब से मैं नालागढ़ से आई हूँ ना, उसके बाद से मैं बस रंगोली बना रही थी. तो क्या नाचो मैं? और मैं बहुत थक गई हूँ. मैं अब घर के कपड़ों में एकदम, मतलब कपड़े चेंज कर लूँगी और घर वाले कपड़े पहन लूँगी, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है. रंगोली आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं हम, अभी पूजा की तैयारी करेंगे, मतलब दियों में तेल डालना है, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद. इनमें क्या कर रही हूँ, तेल डाल रहे हैं दीदी. दिए जला दिए हैं, कुछ ऐसे लग रहे हैं ये. मैं इनको ना डेकोरेट करने में लगी हुई थी पागलों जैसे. ओके पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा है. अभी हमने दिए वगैरह जला लिए और अब पूजा करेंगे, तब तक मैं आपको अपनी रंगोली दिखा देती हूँ. ओके ये रही मेरी रंगोली. ओके इनके ऊपर जब मैं दिए वगैरह रखूँगी ना, तो भी और भी सुंदर लगेगा, फिर आप देखना ध्यान से यार पीछे कितना सही लग रहा है. तो उससे मेरा क्या फायदा? गाइस ये ना डर के मारे इधर आ गई है, क्योंकि उसको ना डर लग रहा है पटाखों से. जैसे मतलब लोग पटाखे जला रहे हैं ना, इसको बहुत डर लग रहा है. और सामने तो मतलब कुछ लड़कों ने इसके ऊपर ही पटाखा चला दिया, तो ये भाग के इधर आ गई. मैंने इसको बुलाया. डॉग्स को ना लिटरली बहुत डर लगता है पटाखों से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है ना. फिर अभी इतनी शांत है ना, क्योंकि डरी हुई है बहुत.
जैसे लोग मतलब पटाखे चला रहे हैं ना, इधर उधर भाग रही है, कभी बैठ रही है, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में। अभी मैंने इसको इस साइड बुलाया, ढंग से दिख भी नहीं रही। मैंने बताया नहीं, मेरे घर पे मामू भी आए हुए हैं शाम के, तो अभी मैं आपको मामू से भी मिलवाती हूँ। वो ना पैराशूट चलाने लगे हैं, पैराशूट चलाने लगे हैं। ये मेरे साथ ही घूम रही है अब, किसको पता है कि इसके पास मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अभी मेरे पीछे ही घूम रही है। दिखाती हूँ को जूली, कौन है ये लोग? Many months later. बाबू जल्दी लगाओ। और लगने के टाइम है। अरे मैं आपको यहाँ चढ़ के चढ़ गया। कम नहीं मारेगा। बोल क्या सोच रहे हो? चढ़ 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 ऊपर। जंप मार के। जंप मारेगा। हो गया। यार वो कितनी दूर चला गया। तेरे दीवे अब हम दिए लगाएंगे, कल तो रंगोली में लगाएंगे। देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस ये है दिए लगा के ऐसी लग रही है रंगोली सारी, इस साइड से देख लो। ओके गाइस देखो ये कैसे नीचे घुस गया डर के हमारे बेचारे के। देखो मेरे में दिख ही नहीं रही चूली। गाइस लिटरली पापा को ऐसे बैठे एक दो दिन हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और ये पटाखा अभी तक नहीं चला। कोई बात नहीं, मैंने पटाखे वगैरह भी चला लिए थोड़े बहुत, और कपड़े कपड़े मैंने बदले नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक नहीं है ज़्यादा सपने बचने का दिवाली पे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम खाना वगैरह खा के सो जाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। रुको जरा सब्र करो। वन म्यूजिक। मज़ा आया।